एवरीवन, आई एम सी साक्षी जैन एंड आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके नाम से डायरेक्टली तो आपको कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, बट एक गाड़ी को बनाने में जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स लगते हैं उसमें से बहुत सारे पार्ट्स ये कंपनी बनाती है, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी के बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। ल्यूमैक्स ऑटो पायोनियर एंड लीडिंग बिजनेस ग्रुप डी के जैन को बिलोंग करती है एंड ये एक ऑटोमोटिव कंपनी है। डी के ग्रुप 77 ईयर्स ओल्ड ग्रुप है, स्टार्टेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्लोब ऑटो और इन्होंने 1956 के बाद से लाइटिंग इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट किए। ल्यूमैक्स ऑटो 1981 में स्टैब्लिश हुए एंड दे ऑपरेट ब्रॉडली इन टू सेगमेंट्स, नेमली ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड ट्रेडिंग ऑफ मोटर एडजस्टर्स। कंपनी गियर शिफ्टर की मार्केट लीडर है विथ अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्केट शेयर एंड लाइटिंग बिजनेस एंड चासिस में कंपनी सिर्फ बजाज ऑटो पर ही रेस्ट्रिक्टेड है एंड बजाज ऑटो का अराउंड 35-40% मार्केट शेयर को कंपनी ही कैटर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो इंटीग्रेटेड प्लास्टिक मॉड्यूल्स, टू व्हीलर चासिस, टू व्हीलर थ्री व्हीलर लाइटनिंग, गियर शिफ्टर्स, इमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, सीट फ्रेम्स, ऑक्सीजन सेंसर्स एंड आफ्टर मार्केट सर्विसेज, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है। इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी डाइवर्सिफाइड मार्केट को कैटर करती है। इसके साथ ही कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स फॉर टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स। बींग अ मैन्युफैक्चरिंग लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, कंपनी के पास 6 स्टेट्स में 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। Also, company has 6 international partnerships. ल्यूमैक्स ऑटो की कई सारी सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स है जिसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इन सभी के द्वारा कंपनी अपने वाइड रेंज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मेंटेन किए हुए हैं। कंपनी अपनी ग्लोबल सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर के थ्रू अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड कर इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर बन चुकी है। As we know, customer is the base for any business, तो कंपनी इस रेस में भी पीछे नहीं है। कंपनी के पास अक्रॉस द ग्लोब एंड अक्रॉस द सेगमेंट वाइड रेंज ऑफ कस्टमर बेस है, जैसे कि टू व्हीलर्स में होंडा बजाज, फोर व्हीलर्स में मारुति सुजुकी, टाटा, होंडा, स्कॉडा, टोयोटा एंड कहीं सारे। एंड कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो टाटा, महिंद्रा, वी कमर्शियल जैसे बड़े प्लेयर्स भी कंपनी के कस्टमर है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बाद एक नज़र कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी डाल लेते हैं। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 55.98% है एंड DII's की होल्डिंग 6% के अराउंड है। चेरी ऑन द टॉप ये है कि कंपनी में FII's की होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, विच इज़ अराउंड 20%, जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि DII's एंड FII's का भी कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट देता है। कंपनी की इतनी सारी बात करने के बाद आप इस बात को जानने के लिए क्यूरियस ज़रूर होंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। कंपनी के करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो टोटल रेवेन्यू का 21% प्लास्टिक मॉडल से आया है, 19% आफ्टर मार्केट सर्विसेज से, 15% चेसिस एंड 15% गियर शिफ्टर से एंड बचा हुआ 30% रेवेन्यू लाइटनिंग, इमिशंस एंड अदर प्रोडक्ट से आया है, जिसको अगर और इलेबरेट करें तो 38% कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंड थ्री व्हीलर्स का था, 24% पैसेंजर कार का, 8% कमर्शियल व्हीकल एंड रिमेनिंग 30% आफ्टर मार्केट एंड अदर थिंग से। साथ ही कंपनी के रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 261 करोड़ से बढ़कर 422 करोड़ हो चुका है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 62% एंड सिक्वेंशियली भी कंपनी के रेवेन्यू में 1% का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के पास 600 करोड़ की हेल्दी ऑर्डर बुक है, जिसमें से मेजॉरिटी मार्केट न्यू बिजनेस को बिलोंग करता है एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्डर बुक का 70-80% कंपनी की जॉइंट वेंचर को बिलोंग करता है, जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने जो अपनी सब्सिडरीज इन जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है उसका बेनिफिट उन्हें होता दिख रहा है। जानने की बात यह है कि रिसेंटली जो गाड़ियाँ लॉन्च हुई है उसमें भी ल्यूमैक्स ऑटो के प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो मारुति ब्रीजा एंड महिंद्रा की न्यू स्कॉर्पियो में जो गियर शिफ्टर यूज़ हुए हैं वो
क्यूमैक्स ऑटो के हैं एंड टोयोटा हाईराइडर में भी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर कंपनी के ही है। इसके साथ ही फोक्सवैगन वर्चुअस एंड पीएसए सेट्रॉन C3 मॉडल के लिए कंपनी ने एयर इंटेक सिस्टम भी लॉन्च किया है। कंपनी के मैनेजमेंट का बोलना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उनका पैसेंजर व्हीकल का शेयर बढ़ा है एंड 24% हो गया है, वहीं टू व्हीलर का शेयर 38% हो गया है जो कि पहले 43% था। कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में पैसेंजर व्हीकल में फास्ट ग्रो होने के चांसेस है एज कम्पेयर टू टू व्हीलर्स। कंपनी की एक्सपेक्टेशन हमें रियलिटी से कहीं हद तक मैच होती हुई दिख रही है ऑटो सेल्स के जबरदस्त नंबर्स को देखते हुए, और इस साल नवरात्रि में हुई पैसेंजर कार्स की बिक्री ने तो 4 चांद लगा दिया है। सो वी विल होप कि ये सेक्टर हमें फ्यूचर में भी अच्छा ग्रो होता नजर आएगा। एंड इसी तरह किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको भी किसी कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन गुड बाय।